मैं आपके पैनल के अजरुद्दीन भाई जो है हमारे फॉर्मर कैप्टन इंडिया के, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। शोएब भाई पहले पाजी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं पाकिस्तान के लिए वरीड है या हैप्पीनेस है उसको छोड़ें, ये पाजी कुछ कहना चाह रहे थे। कितना ये खौफ का बाइस होता है कि यार ये कुछ भी कर सकते हैं, ये ना सोचिएगा कि जो मैच आ रहे हैं उस मैच में हम क्या रहे थे, लेकिन ये आ रहे हैं कुछ भी कर सकते हैं, तो ये खौफ होता है इंडिया के पास। इनसे पहले मैं जवाब देने से पहले ये कहूँगा कि बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि इनकी टीम ना दुनिया की टीम में ऐसी है, अनप्रडिक्टेबल है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ कभी हमें कमी लगती थी आउटसाइड से कि इनको पकड़ के कैसा रखा जाए, क्योंकि ये बहुत जो शरारती बच्चे होते हैं ना वो बड़े तेज़ होते हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इनकी टीम में टैलेंट की कभी कमी नहीं हुई, यही था कि कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इनको पकड़ के इकट्ठा खिला सके, क्योंकि इनके स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर होते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि वो ब्रिलियंट है, बट एज ए यूनिट बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि दे प्ले लाइक ए टीम, बट इंडिविजुअल टैलेंट की कभी कोई कमी पाकिस्तान में नहीं रही। जी अजहर, आपसे सवाल पूछा था कि क्या डर लगता है इंडिया को कि पाकिस्तान इतनी अनप्रेडिक्टेबल है तो पता नहीं कब क्या कर जाए। नहीं देखिए, डेफिनेटली अनप्रेडिक्टेबिलिटी से तो कभी भी डर तो लगता ही है, बट लेकिन जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है, क्योंकि अभी नंबर वन फिर से नंबर वन टीम बन गई तीनों फॉर्मेट में। तो जहाँ तक के मैं सोचता हूँ पाकिस्तान में, नो डाउट पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स है, जैसा पाजी ने कहा बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स है और एकदम स्ट्रॉन्ग हेडेड प्लेयर्स है। हर आदमी सोचता है कि मैं तेर से अच्छा हूँ या मेरे से अच्छा, ये अच्छा है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बाज़ोख़त मुश्किल हो सकती है, बट लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में जो बात करें तो अनप्रेडिक्टेबल होना एक बहुत टैग तो अच्छा नहीं है, बट लेकिन अलग लगता है। क्यों, मैं समझता हूँ कि भारत की टीम जो इंडिया की टीम है तो वो किसी से डरेगी नहीं, बट जो उनको जो फील्ड पे जो जाके करना है वो करेंगे, बट लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जो लास्ट 3 या 4 साल से बहुत अच्छा खेला उनकी दाद देनी चाहिए, बट मैं समझता हूँ कि भारत की टीम थोड़ा 2-3 नॉट पाकिस्तान टीम से थोड़ा आगे। देखिए मेरी पाकिस्तान जैसी भी टीम है, पाकिस्तान ने एक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में आया, ICC मैच जीता हुआ है T20 वर्ल्ड कप में, एक वो रवायत टूटी है पाकिस्तान की तरफ से कि जीत नहीं सकती ICC, वो एक चीज़ है। फिर एशिया कप में जीते हुए हैं, एक अच्छा कंपटीशन है, बड़ी टीमें हैं, प्रेशर मैच है। इस टीम में चाहे वो इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जो परफॉर्म करता हो एक बहुत बड़ा स्टार बनता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है विराट कोहली, जो बांग्लादेश में एशिया कप में उसने 180 रन्स बनाए हैं, आज वो रुक ही नहीं रहा, तो ये एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।